इन रोड्स पे जो है लैंडस्लाइड्स होती रहती है। अभी जहाँ पर हमने हॉल्ट लिया था वहाँ पर भी छोटे 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 पत्थर गिरते हुए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे। राहुल भाई थोड़े आगे चले गए हैं, हमने बोल दिया था कि आप चलो हम आ रहे हैं। जस्ट लुक, ओए होए, ये आपको व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ये क्लियर क्लाउड्स है, क्लियर क्लाउड्स है। अभी हो सकता है बारिश हो जाए, बट दुआ ये रहेगी कि अभी बारिश ना हो क्योंकि कर्विंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम जाएंगे उन बादलों में, उन बादलों के अंदर। ले चले क्या आपको बादलों के अंदर? मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले अकेले बादलों का लुत्फ उठाऊं। हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर कुछ नया, एक्सप्लोर करो जो लोगों ने इतना देखा ना हो, परखा ना हो, उस चीज़ को फील ना किया हो। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जिसको आपको देखने में मज़ा भी आएगा और आपको आने का मन भी करेगा। इनको भी मज़ा आ रहा है, आज हमने इनसे पूछा था, मैं कहा कैसा लगा आपको, कहते थोड़ा वो होता ना फेस पे आता है, ओम हाँ बढ़िया था बढ़िया था। तो ये है लैंडस्लाइड एरिया, तो इन्होंने ऐसे ग्रीन 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 कुछ कारपेट्स हैं उनसे कवर कर दिया है। दुर्घटना से देर भली, सही बात, अच्छे विचार। देखो तो ज़रा, देखो तो ज़रा इन वादियों को, इन सूरज की किरणों को, इन बादलों को। ऐसी चीज़ें कितने सही लगती है ना, मतलब हम जो चीज़ें रील्स में देखते हैं या कोई वीडियोस में देखते हैं, बट और वो जब चीज़ रियलिटी में दिखती है उस चीज़ का फील ही अलग होता है। बोलो सही कहा ना मैंने? अगर सही कहा तो नीचे कमेंट करो, अगर गलत कहा तो भी कमेंट करो कि क्यों गलत कहा। ओ हो एक इनका शॉट लिया जाए प्यारा सा। यहाँ रुका जाए और एक इनका प्यारा सा शॉट लिया जाए। शिट, हाँ खड़ी कर रहा था वो आगे हो गई। नहीं नहीं अरे वो मैंने देख लिया था। नहीं 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 भैया हो गया, वो लगा दे स्टैंड लगा दे। सुना नहीं मैंने क्या बोला था? हाँ 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 मैं वो व्लॉगिंग कर रहा है, मैंने कहा इनका शॉट लेता हूँ और मैंने यहाँ लगाया तो एक बार देख लिया था मैंने स्टैंड, फिर भी वो आगे हो गई तो उतना मेरा शॉट बन गया। सो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं सोच रहा था कि इनके कुछ शॉट्स ले लूं, बट मुझे क्या पता था मेरा ही शॉट बन जाएगा।
तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक साइड एंगल से इनकी कर्विंग करते हुए एक वीडियो बना लूँगा। तो मैंने बाइक खड़ी की, बट वो स्लोप एरिया था, तो मैंने एक बार रीचेक भी किया था कि स्टैंड अच्छी तरह लग गया या नहीं लगा। स्टैंड लग गया था, बट वो स्लोप होने की वजह से बाइक आगे हुई और वो इस साइड में गिर गई। तो ऐसे ज़्यादा कुछ कहीं वो तो नहीं लगी मेरे को, चोट वगैरह तो नहीं आई क्योंकि गार्ड्स वगैरह पहने हुए हैं, इसलिए कोई चोट नहीं लगी। सो सेफ्टी मेजर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, जैसे मेरे साथ आज हो गया। बट कोई नहीं, अब इस चीज़ से मेरे को क्या सीखने को मिला, इस चीज़ से मेरे को ये सीखने को मिला, जब भी स्लोप पे बाइक खड़ी करनी होगी, वैसे मैं खड़ी करता है बट इतना नहीं पता था कि बाइक इतनी आगे हो जाएगी, तो ऑलवेज गियर में लगानी होगी बाइक। नगर पालिका परिषद चंबा आपका हार्दिक स्वागत करती है। ऐसा हुआ, मेरा आगे का टायर हो गया पंचर, तो यहाँ पर यहाँ से चंबा पड़ता है करीब 15 किलोमीटर दूर, करीब 2-2.5 घंटा लगता होगा ना, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो अभी बाइक टो कराई है यहाँ पर हमने, और लेट्स सी, अब आगे कोशिश ये है कि टायर मिल जाए, अगर टायर ना मिले तो सेकेंड हैंड टायर ही सही, बट डेली जाने लायक होनी चाहिए। लोकेशन मैं बता दूं, मैं हूं अभी मसूरी रोड टिहरी डिस्ट्रिक्ट कानाताल, और यहां से अभी हमने वैन टो कराई जिसका नंबर है 9548508818। अगर आप यहां पर आते हैं, भगवान ना करे कि किसी को कोई तकलीफ़ हो राइडिंग में, या जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ हो, इन केस अगर कुछ हो जाता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे, आप कभी भी इस लोकेशन में हो तो इनको कॉल कीजिए। सर्विस बहुत अच्छी है, 15 मिनट के अंदर भैया आ गए थे, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पर चल रही है अभी पैकिंग हो रही है बाइक की।
तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। आप देख सकते हैं बाइक यहाँ पर है, बाइक का टायर पंचर हुआ था, पंचर एक नहीं दो दो पंचर हो गए थे, तो इसलिए अब हमें चंबा जा रहे हैं। चंबा जो कि यहाँ से है 15 किलोमीटर, हमें अभी कनाथन। तो बाइक सो अगर मैं बताना चाहूँ, सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई एंटायर लाइफ। मैंने रोड ट्रिप्स किए, बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए, बट एक चीज़ होती है ना कि आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, उसका एक अलग फन होता है, उसका एक अलग मज़ा होता है। सो आप रोड चेक कीजिए, वेदर चेक कीजिए, और अगर मेरे मन की बात करते हैं, कुछ भी हो, थोड़ा ठीक सा भी नहीं लग रहा, बट कुछ भी हो, या राइडिंग एक्सपीरियंस यहाँ तक कैसा था, बीच में जब आप कर्विंग्स लेते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, कर्विंग के बीच में अगर टायर पंचर हो जाए, उस वक्त बहुत मुश्किल होती है संभालनी, बट संभल गई थी, ऐसी कुछ चिंता की गिरी थी या कुछ हुआ था। बाकी आप रोड चेक कीजिए, रोड्स बहुत प्यारी है, वेदर मस्त वेदर हुआ है, बिल्कुल मज़ा वाला। बाकी आप सीन चेक कर सकते हैं यहाँ पर, दिल्ली में रहना और दिल्ली से बाहर आके जब दिल्ली में कड़ाके ही गर्मी पड़ रही हो, भाई साहब कसम से ऐसी जगह पे आना है ना, जन्नत जन्नत कहलाता है जन्नत। बाकी चलते हैं आगे, आपको चीज़ें बताते हैं, चीज़ें दिखाते हैं। एंड लिटरली अगर आप उत्तराखंड आओ तो चंबा ज़रूर आना, कनातल ज़रूर आना, बहुत प्यारी रोड्स हैं। अगर आप लीनिंग एंजॉय करते हैं, लीनिंग करते हैं बाइक से, बहुत प्यारी रोड है, लिटरली बिलीव मी, बहुत प्यारी रोड है। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अनुज। अभी मैं हूँ चंबा, अभी बाइक उतर रही है, मतलब बता नहीं सकता कि कैसा लगता है बाइक उतरते। मैं आया हूँ रमोला टायर सर्विसेज पे, बहुत अच्छी सर्विस है, आपको कोई सा भी टायर चाहिए, मिशलिन का, पिरेली का, MRF, JK टायर, सब सारे टायर्स अवेलेबल हैं। और इन एनी केस अगर टायर अवेलेबल नहीं होता तो ये आधे पौने घंटे में अरेंज करा देते हैं। ये इन्हीं की शॉप है और इनके भाई जो है वो रमोला जी और ये शिवम है। तो आप कितने सालों से, मतलब ये भाई हम चला रहे करा रहे इसमें काम 2003 से, 2003 से अनुभव है इसे काम करने का। ओके, तो आसपास मतलब कहाँ कितनी दूरी में टायर वगैरह होते हैं आपके? हमारे यहाँ मतलब हम अपने पूरे उत्तरकाशी लाइन से हुए, आपके दूसरी लाइन। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो आप आइए यहाँ पर, अगर आप आते हैं तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ है इनके पास जो है सारे इक्विपमेंट्स हैं। मैं आपको इक्विपमेंट्स एक बार दिखा देता हूँ कि कुछ कुछ होते हैं जो हाथ से टायर फिक्स करते हैं, बट इनके पास पूरी मशीन्स हैं। ये इनकी मशीन्स हैं, यहाँ पर पूरा प्रेशराइज मशीन से वर्क होता है, और ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर्स हो गई, स्टेपनी हो गई, सेकेंड हैंड टायर्स हो गए, सारे अवेलेबल है विद बेस्ट प्राइस। सो अगर आप कभी भी चंबा आते हैं, चंबा आते हैं या ऊपर जाते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाइक यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से नीचे उतर चुकी है, बहुत डर सा लग रहा था कि बाइक कहीं लग ना जाए। सब बाइक देख सकते हैं, आगे का टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल। Thank you.
Mm-hmm.